जय भी नवोद्धाय मैं हूँ कन्वोध और आप देख रहे हैं बुधनाय चैनल। ईश्वरवादी कहा करते हैं ईश्वर पर विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा, या सिर्फ परीक्षा लेता है, सच्चे दिल से की गई पुकार को वह सुनता है। हम इस मकर जाल में उलझने नहीं चाहते, परंतु इतना अवश्य कहेंगे जिन 100,000 निर्दोष हिंदुओं को गुलाम बनाकर 1399 में मध्य एशिया के बाजारों में बेचने के लिए मुस्लिम हमलावर ले गए थे, वो एक ही ठंड रात में भूख और ठंड की वजह से तप तप कर मर गए थे। तब क्या 100,000 नारियां, बूढ़े बच्चों आदि में एक भी सच्चे दिल से ईश्वर को नहीं पुकार रहा था? जो पूरे 100,000 हिंदू एक ही रात में तड़प कर मर गए, क्या एक भी निर्दोष निरीह और विवश हिंदू परीक्षा में पास होने की योग नहीं था? स्वतः वह परीक्षा लेता है, इस पर भरोसा करो सब ठीक हो जाएगा। जैसे जुमले अपने और अपनों को धोखा देने के लिए गढ़े गए, यदि वह 100,000 हिंदू बगावत करते तो साथ बच जाते, मरते भी तो कम से कम मरने से पहले कुछ दुष्टों को तो मारते हैं। परंतु ईश्वरवादी के मकर जाल ने उनको एकदम सांस लेने वाली लाशें बना दिया था। ईश्वर परीक्षा लेता है, ये बहुत ही खतरनाक जुमला है। इतना खतरनाक कि खुद यथाकथित ईश्वर का भी मजाक उड़ाता है और ईश्वरवादी यह भी नहीं समझ पाता क्या कड़कड़ में विराजमान बताया जाता ईश्वर परीक्षा लेने के लिए इस तरह का फुहड़ भोड़ा और अनुस्वरवादी तरीका अपनाएगा। क्या उसे दिल की बात ऐसे ही मालूम हो जाएगी? आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जो बताइए।